हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका। और कैसे हैं आप? आई होप यू आप सब ठीक ठाक होंगे। देखिए गाइज, आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी, जिसकी तैयारियाँ चल रही है। प्याज मैंने काट लिए हैं, मटर मैं छील रही हूँ, और अभी हरी मिर्च बाकी है। पूरे भूसे की सीन क्या दी बता। अब टमाटर काट लेंगे और फिर बनाते हैं, आपको भी बताते हैं, आपको भी अच्छी लगती होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना किस किस को मटर पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती है। जैसे कि मुझे लगती है, बहुत अच्छी लगती है मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि मैं फाइनली आज बना रही हूँ। बनाते हैं, बताते हैं आपको। आप मैंने ये जो पनीर है ना, इसको चॉप कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। अब मैं ना फ्राई करूंगी इसको तेल में। फ्राई करने के बाद में फिर मसाला मतलब पका के फिर डाल देंगे, तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगी। देखो गाइस, मेरी सब्जी पक रही है, मसाले ऐड कर दिए हैं। कुछ लोग तो ये मटर प्याज होते हैं, टमाटर की प्योरी बनाते हैं, बट मैं डायरेक्ट ही तैयार करती हूँ, क्योंकि किसी को जो पसंद होता है वैसे बनाना। गाइस, कभी कॉल आ जाता है बीच में। देखो अब इसमें दही ऐड कर देंगे तो सब्जी का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा, मतलब अच्छी हो जाएगी। पनीर मैंने फ्राई करके रख दी है ऑलरेडी, बस ये पकने के बाद दही डालेंगे, और दही जब ऐड करेंगे इसमें वो पकेगा, फिर हम पनीर डाल देंगे उसमें। थोड़ी बहुत ग्रेवी करेंगे तो करेंगे, नहीं तो ऐसे ही बना लेंगे। ज़रूरत नहीं है ग्रेवी की, क्योंकि मैंने तेल बहुत डाल दिया इसमें। देखो मिर्ची कम खाते हैं हम तो, आज हरी मिर्च मैंने एक ही डाली है, ज़्यादा नहीं ऐड की, क्योंकि मैं मिर्ची कम खाती हूँ और हमारी साहब जी को ढेर सारी मिर्ची पसंद है, मैं नहीं खाती। पिछली बार उन्होंने सब्जी बनाई थी तो इतनी तेज मिर्ची कर दी कि मैं खा ही नहीं सकती उसको, कोई नहीं खा सकता था उसको, पर खाए ज़बरदस्ती, क्या करे, बनाई हुई का क्या करे। तो जब हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप बने रहे मेरे ब्लॉग में एंड तक। देखो अच्छी लग रही है ना गाइस। ये टमाटर मैं भूल गई थी ऐड करना, अब कर देते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मन कर रहा है कि, अरे आवाज मत करो बेटा, मन कर रहा है जैसे अभी खा लूं मैं। बहुत अच्छी लग रही है गाइस, फाइनली अच्छी लग रही है बहुत। फिलहाल तो खाएंगे तो पता चलेगी कैसी बनी है। ये पकेंगी फिर मैं दही ऐड करूंगी, फिर बाद में पनीर ऐड करूंगी लास्ट में, जब दही पक जाएगा पूरी तरह से अच्छे से फिर। वाह, क्या फ्लेवर आया है मेरी सब्जी का, मटर पनीर की बहुत अच्छी सब्जी बनेगी। देखो गाइस, अब है ना दही पक चुका है तो हम इसमें मटर ऐड कर दे, ओ सॉरी पनीर ऐड कर देते हैं। ये रही मेरी पनीर, दिख रही है गाइस आपको? अब हम इसमें थोड़ा सा, मैंने ना वो लहसुन का और अदरक का पेस्ट डाल दिया था। कुछ लोग अपना मसाला पकाते हैं उस वक्त डालते हैं, कुछ लोग बाद में डालते हैं। देखो वाह, ये जो है ना, कुछ लोग घी में बनाते हैं, कुछ लोग ऑयल, सरसों के ऑयल में, किसी भी ऑयल में बना सकते हैं हम। अब अलग अलग तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं पनीर, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने का बहुत सारा तरीका है, जो भी आपको अच्छा लगे वो अपनाएं। कुछ लोग टमाटर प्याज की प्योरी बनाते हैं फिर इसमें ऐड करते हैं तो उससे अच्छी लगती है, हमें पसंद नहीं है। जब टमाटर प्याज सारे सबकी प्योरी बन जाएगी तो कैसे टेस्ट आएगा फिर? वो खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा नहीं लगता मेरे को, और ना ही मेरे बच्चों को अच्छा लगता है। तो अब बस
इसमें 10 to 15 मिनट लगेंगे, तो ये तैयार हो जाएगी। फिर हम बनाएंगे चूल्हे पे रोटी, क्योंकि सब्जी हमारी बन गई। पर गाइस बहुत टाइम लगा है, देख लो मैं 6:15 बजे लगी थी सब्जी बनाने में, तो शायद 7, 7:30 बज चुके होंगे। तो बीच में लाइट भी चली गई थी, पर ये गाइस मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर, और बहुत अच्छा लगा कि ना मेरे कैमरे में जो, मतलब जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो पीछे का कैमरे में जो लाइट्स भी जलती है, तो उससे क्या है, जो सब्जी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, जो रेसिपी मेरी मटर पनीर की वो दिखाना चाह रही हूँ, वो आराम से अच्छे से, अगर मेरे रूम की लाइट भी बंद हो ना तो भी अच्छे से दिख जाती है। क्योंकि अब तक तो मुझे यही टेंशन थी कि मैं जब रात में कोई रेसिपी शेयर करूँगी तो कैसे करूँगी यहाँ, क्योंकि रूम में लाइट होती है ना, तो भी यहाँ तक लाइट का फोकस अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि ये इधर कोने में रह जाता है। तो मेरे इस बात की बहुत टेंशन थी, तो मैं आज मैंने देखा, पता नहीं कैसे क्या कुछ दब गया और पीछे का कैमरा ऑन हो गया, जिससे आपको अच्छे से दिख रहा है मेरे मटर पनीर की रेसिपी। तो गाइस ऐसे बना सकते हो आप, देखो आपको मटर दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं ना, टमाटर भी दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना, प्याज हरी मिर्च सब दिख रहे होंगे, लेकिन गाइस आपको मेरे सब्सक्राइब बटन नहीं दिखता है, वो आप दबाते नहीं हो। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर आपको अच्छी लगती है तो। मैं भी बड़ी मेहनत लगी ये वीडियो बनाने में, और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करूँगी। मिलते हैं कोई नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये रेसिपी अगर पसंद आई है आपको, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। खमा गणिसा।